हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रताप। प्रताप ब्लॉग के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में बात करें तो हमारे सामने आ जाता है रिवोल्ट। दोस्तों, रिवोल्ट 400 हमारे सामने आ जाता है क्योंकि उसके साथ बराबरी करने के लिए और कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों, टॉर्क भी लॉन्च हो चुका है पर वो 110 किलोमीटर उसका रेंज है और हमारा जो रिवोल्ट है वो 150 किलोमीटर आसपास रेंज दिखाती है। तो उसके साथ बराबरी करने के लिए अभी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है अल्ट्रा वायलेट F77 के मॉडल। दोस्तों, बहुत सारे आप दोस्तों कमेंट कर रहे हैं कि अल्ट्रा वायलेट F77 के मॉडल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में हम दोस्तों आपके साथ लेकर आया हूं अल्ट्रा वायलेट F77 मॉडल के बारे में, क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर इतना काम किए जा रहे हैं और उसका टेस्ट ड्राइव भी अभी शुरुआत तो नहीं हुआ है, बहुत जल्द हो जाएगा। उसके दोस्तों उस मॉडल को टेस्टिंग के दौरान अभी थोड़ा रोड पे हमें नजर आई है और इसका जो लुक्स है ना दोस्तों, जबरदस्त लुक है, मुझे तो बहुत प्यारा गया। क्योंकि अगर इस मॉडल को हमें देखा जाए तो एक स्पोर्ट्स बाइक के जो स्पोर्ट्स बाइक है उनके जैसा ही बराबरी करेगा लुक्स में। तो बात करेंगे उसमें आपको क्या टॉर्क जनरेट करेगी, उसके बैटरी की पावर कितना होगा, मोटर की पावर कितना होगा और इसका रेंज क्या होगी और इसमें क्या फैसिलिटी होगी और क्या डिसएडवांटेज होगा, तो सारे बात हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में जो भी आए हैं तो एंड तक देखना, आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ पास में बेल आइकन की दबा दें ताकि इस तरह के अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस मॉडल में आपको 3 कलर ऑप्शन मिलेगी जो कि एयर स्ट्राइक, शैडो और लेजर। दोस्तों, ये 3 कलर में आपको काफ़ी ज़बरदस्त ग्लसी लुक आएगी और इसमें आपको एक क्लासिक लुक में आएगा जो कि मैट ब्लैक में होगा। ऊपर से बात करेंगे इस मॉडल के बारे में। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर आपको बैटरी पैक दी जाएगी और पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसमें आपको 3 लिथियम आयन के बैटरी देखने को मिलेगा। दोस्तों 3 लिथियम आयन बैटरी जो कि बढ़िया बात है। दोस्तों आप तो अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी रेंज कितनी होगी। उसके हैंडलबार को देखिए, यहाँ पर आपको LED के डिस्प्ले मिल जाएगा और हैंडल आपको मैट ब्लैक कलर के मिलेगी जो कि इलेक्ट्रिक माइक्रो विथ LED बैकलाइट के साथ आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अल्ट्रा हाई ब्राइटनेस ऑटोमेटिक TFT LCD के साथ। दोस्तों ये जो TFT LCD है यानी इसमें जो ऑटोमेटिक लाइट नज़र आएगी, दोस्तों इसमें आपको दोस्तों कंट्रोल भी कर सकते हो, दिन में थोड़ा ज़्यादा आपको इसे ग्लसी कलर आएगी और रात में थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको आप देख सकते हो आपका स्पीड कितना है, क्या है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हो अच्छे से। ट्यूबलेस टायर, अलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक, फ्रंट में रियर में डिस्क ब्रेक और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, बहुत इस तरह से बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी है। तो बात करेंगे उसके स्मार्ट फीचर्स के बारे में। इसमें आपको LTE कनेक्शन विथ 3G 2G फ्लिपकार्ट के सिम इंटरग्रेट सिम नज़र आएगी, यानी जो कनेक्टिविटी होगी आपको LTE कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, वोल्टी कनेक्टिविटी आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। और उनका जो लाइट होगा वो सेंसर के साथ इस्तेमाल होगा, यानी सेंसर के साथ आप इसके लाइट की कनेक्शन कर सकते हो। GPS वगैरह वो आपको इसमें देखने को मिलेगी, व्हीकल लोकेशन वो भी आपको देखने को मिल जाएगा और राइडिंग हिस्ट्री भी आप दोस्तों इसमें देख सकते हो, कहाँ कहाँ हम आप चलाए हो तो हिस्ट्री भी आप इसमें देख सकते हो। व्हीकल लोकेशन, जियो फैक्सिंग वगैरह वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। टेम्परेचर, वोल्टेज, करंट सेंसर विथ एक्टिवेट ट्रैकिंग एंड फैसिलिटी जैसे भी वो अभी आपको फीचर्स देखने को मिलेगी। यूजी चार्जर पॉइंट वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। 9 एक्सिस से ईमेल के साथ आपको ये देखने को मिल जाती है और इसमें आपको कॉल्स वगैरह आप रिसीव कर सकते हो, बात कर सकते हो, SMS वगैरह जो भी आप इन्फॉर्मेशन है वो आपको कनेक्टिविटी जैसे कि हमने बताया दोस्तों आप इसमें देखने को मिल जाएगी। जियो फैक्सिंग वगैरह वो भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है और अल्ट्रा वायलेट आपके साथ आप इसे उसके साउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हो और कुछ अगर ऐड करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो, डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हो, यानी फुली एडवांस फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल रहा है। हेडलाइट ऑटो ऑन ऑफ भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, यानी हेडलाइट दिन में वो ऑफ हो जाएगा और रात में वो ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक भी आप इसे कर सकते हो या फिर खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो। और भी इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं आपको दोस्तों बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। तो उनके ऊपर जो भी अपडेट आ रहा है मैं आपको अपडेट देता रहता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ पास में बेल आइकन को भी दबा दें। तो इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, इसके मैक्सिमम पावर के बारे में। दोस्तों इसमें आपको मोटर का यूज किया गया है और बैटरी का जो यूज किया गया है वो आपको लिथियम आयन के बैटरी, जैसे कि हमने बताया दोस्तों इसमें आपको 3 बैटरीज देखने को मिल जाएगी।
और मोटर की बात करें वो आपको 25,000 वाट की मोटर की पावर प्रोवाइड करेगी। दोस्तों 25,000 वाट की मोटर की पावर, और आरपीएम की बात करें 2,250 वाट की आपको आरपीएम की मैक्सिमम आपको टॉर्क जनरेट करेगी। दोस्तों कमाल की बात है, एकदम हाई स्पीड के इलेक्ट्रिक बाइक होगा। दोस्तों ये अब जब लॉन्च होगा ना, रिवोल्ट को सब भूल ही जाएंगे, ये बात दोस्तों लिख लीजिएगा। क्योंकि ये जो मॉडल है 0-60 स्पीड पकड़ेगी आपको सिर्फ 2.9 सेकेंड में। दोस्तों कमाल की बात है, और इसमें जो बैटरी का यूज किया गया वो आपको 3 बैटरीज देखने को मिलेगी, जो कि आपको 150 किलोमीटर आसपास रेंज दिखाएगा। दोस्तों इसका जो सिंगल बैटरी में आप दोस्तों 150 किलोमीटर आप सफ़र कर सकते हो। यानी दोस्तों ये बात तो अभी तो वो खुलासा नहीं किए हैं कि वो सिंगल बैटरी में 150 किलोमीटर दिखाएगी या फिर 3 बैटरीज में वो आप 150 किलोमीटर रेंज दिखाएगी, तो ये बात का अभी खुलासा नहीं हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। मैक्सिमम स्पीड रहेगी यानी टॉप स्पीड आपको 147 किलोमीटर के, 150 किलोमीटर आसपास इसका जो आपको मैक्सिमम स्पीड है आपको, और मैक्सिमम टॉर्क आपको 450 न्यूटन मीटर की आपको टॉर्क जनरेट करेगी। जैसे बताया दोस्तों 3 टाइप के आपको लिथियम के बैटरी मिलेगी, जो कि 4.2 किलोवाट के बैटरी के कैपेसिटी के साथ दिए जाएंगे। चार्जिंग टाइम आपको अगर दोस्तों स्टैंडर्ड वाला चार्जर से आप दोस्तों यूज करते हो, चार्जिंग करते हो, तो 5 घंटे लगेंगे। अगर फास्ट चार्जर वाला मॉडल चार्जर से आप यूज करते हो तो आपको 1.5 घंटे के अंदर आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। और चार्जर टाइप आपको 1 किलोवाट के स्टैंडर्ड टाइप मिलेगी, और अगर दोस्तों लेते हो तो 3 किलोवाट के पोर्टेबल चार्जर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। बैटरी कनेक्टर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जो कि IP67 के आपको, और चार्जर पोर्ट आपको CCS के चार्जर पोर्ट भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। बैटरी सेफ्टी के लिए वो आपको वाटरप्रूफ के बैटरी सेफ्टी आपको इसमें देखने को मिलेगी, मोटर भी आपको वाटरप्रूफ के देखने को मिल जाएंगे। तो अल्ट्रा वायलेट F77 के मॉडल की तो अभी 3 बैटरी में मिल रहा है। दोस्तों कमाल के लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त, तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। तो ये तो एक स्पोर्ट्स बाइक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक ज़माने में इलेक्ट्रिक के मार्केट में एक स्पोर्ट्स बाइक में अंदाज में लॉन्च होगा। तो इसकी प्राइस के बारे में बात करें दोस्तों, अभी तक उसके प्राइस रिवील नहीं हुआ है, तो जब उसके प्राइस की अनाउंसमेंट होगा तो हम आपको अपडेट दे देंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये जो अल्ट्रा वायलेट F77 वाला मॉडल है इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, ताकि इंडिया के मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, तो काफ़ी बढ़िया बात है। तो आप दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो ये थी कुछ अपडेट हमारे अल्ट्रा वायलेट को लेकर, तो कैसी लगी अपडेट कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।